हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपके लिए एक स्पेशली ऐसा बिजनेस लेके आए जिसके अंदर आप रोजाना 15 से 20 हज़ार रुपए का प्रॉफिट एवरीडे कर सकते हो। और प्लस इसके अंदर ये बिजनेस करके दोस्तों आप एक अपना इमेज, एक अपना ब्रांड, एक अपना फैक्ट्री बना सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये बिजनेस है स्पेशली सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस है, सोडा फिलिंग मशीन का बिजनेस है। जो आपके मार्केट में, आपके एरिया में, आपके मोहल्ले में इस टाइप का ड्रिंक मिलता होगा दोस्तों, आप भी खुद पीते होगे दोस्तों जो बाजार में है। इस टाइप का जो ड्रिंक है आप पीते होगे, 200 ml, 250 ml, 300 ml, लीटर, 1.25 लीटर, 2.25 लीटर, सब अलग अलग तरीके का ड्रिंक आपके वहाँ मार्केट में पीते होंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये बिजनेस आप खुद का एक अपना इमेज बना के, जैसे आज की तारीख में मार्केट में कोका कोला, थम्सअप है, पेप्सी है, ऐसी ब्रांडेड कंपनियों का माल मिल रहा है ड्रिंक, तो वैसा ही अब आप अपना एक खुद का ब्रांड बना के मार्केट में सेल कर सकते हो दोस्तों। ऐसा ही आप ड्रिंक ये मशीन के अंदर, छोटी सी पोर्टेबल मशीन के अंदर अपना एक खुद का फैक्ट्री बना सकते हो। ये बिजनेस करके दोस्तों आप रोजाना पर डे ये छोटे से मशीन से रोजाना आप 10 से 15 हज़ार रुपये तक का मुनाफा या प्रॉफिट कर सकते हो दोस्तों इसके अंदर। तो मैं आपको आज ये डिटेल इसके अंदर ये बिजनेस की जानकारी दूंगा, ये डिटेल्स दूंगा, ये कैसे फ्लेवर बनती है, इसका रॉ मटेरियल कहाँ मिलता है, मशीन का प्राइस क्या है, मशीन के साथ क्या क्या सामान, क्या क्या एसेसरीज आपको साथ में फ्री में मिलती है, मशीन का फ्लेवर कैसे बनाया जाता है, इसका रॉ मटेरियल फ्लेवर को मिक्सिंग कैसे किया जाता है, बनाया कैसे जाता है। ऑलरेडी हमने इसके अंदर ऑरेंज का फ्लेवर बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये ऑरेंज का बाउल डाला हुआ है यहाँ पे हमने, ये ऑरेंज का फ्लेवर ऑलरेडी बना के रखा है और ये बोतल ऑरेंज का भर के रखा हुआ है हमने। वैसा ही मैं आपको एक बोतल भी भर के दिखाता हूँ दोस्तों, ये खाली एम्प्टी बोतल है, धोया हुआ, साफ किया हुआ। इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे सोडा फिलअप होता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कोई भी आप प्लेन सादा सोडा, किनली लहर टाइप का सोडा फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्लेवर जो अभी हमने ऑरेंज का फ्लेवर इसमें डाला है आप फिल कर सकते हो इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं ऑरेंज का फिलअप हो रहा है फ्लेवर इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे ढक्कन है, कैपिंग है, कैपिंग यहाँ से ढक्कन लगा देना है आपको। ये आपका मार्केट में सेलिंग के लिए तैयार हो चुका है ड्रिंक, रेडी टू ड्रिंकिंग है, मार्केट में सेल कर सकते हो और इस टाइप का बंच बना सकते हो इसके अंदर। इस टाइप का 4 पीस का या 10 पीस का, 24 पीस का बंच पैकिंग करके मार्केट में सेल कर सकते हो। और वो सब एसेसरीज हम ये मशीन के साथ में ही देते हैं, आपको कोई एसेसरीज अलग से लेने का जरूरत नहीं है दोस्तों इसके अंदर। और इसके अंदर आप बहुत सारा अलग अलग फ्लेवर बना सकते हो, जैसे अभी हमने ऑरेंज डाला है, आप जीरा मसाला है, लाइम लेमन है, फ्रूट बियर, पुदीना मसाला, स्प्राइट, स्प्राइट टाइप का टेस्ट होता है वो फ्लेवर, सादा सोडा, किडली लेयर टाइप का भी वो भी बना सकते हो उसके अंदर दोस्तों। तो ऑलरेडी हमने इसके अंदर जीरा मसाला, ये ऑरेंज का फ्लेवर बनाया और दूसरे यहाँ पे 2 फ्लेवर है इसके अंदर, हम एक में जीरा मसाला बनाएंगे और एक में आरबुल करके बनाएंगे। ये ऑलरेडी हमने जो शुगर रहता है, शुगर को पानी के साथ मिक्स करके इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है, जो एज अ पर रेसिपी के हिसाब से हमने रखा है। अभी हम इसके अंदर जीरा, एक में आरबुल का एसेंस डालेंगे, एक में डालेंगे जीरा मसाला का एसेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम आरबुल का एसेंस डालेंगे, आरबुल का एसेंस है जो हमारे पास एसेंस पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं ये आरबुल का एसेंस है, एक लिक्विड बेस है, एक पाउडर है इसका, ये इसके अंदर आरबुल का एसेंस डालेंगे, आरबुल का फ्लेवर डालेंगे, आप देख सकते हैं इसका पाउडर पहले डालेंगे, ये पाउडर है इसका नाउ तो, ये इसका लिक्विड डालेंगे हम इसके अंदर, आप देख सकते हैं पूरा लिक्विड डाल दिया। उसके बाद हम उससे अच्छे से मिक्स करने के लिए मिक्सचर मशीन का उपयोग करेंगे, उसमें मिक्सचर मशीन है, इसका फ्लेवर में अंदर मिक्सचर अच्छे से हो रहा है इसका, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी से, बढ़िया तरीके से इसको मिक्सिंग हो रहा है। जो चीनी और हमने पानी डाला है उसका जो पाउडर है उसके साथ अच्छे से घुल जाए, उसके लिए मिक्सचर मशीन यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो हम आपको मशीन के साथ में हैवी ड्यूटी मिक्सचर मशीन देंगे, लेकिन अभी टेम्पररी यूज़ के लिए मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं पूरा। अभी ये प्रॉपरली मिक्स हो चुका है, अभी हम इसको बाउल में डाल देंगे, बाउल आप इधर बाजू धोता हुआ जाओ मिक्सचर में काटी ने ले तो जाए। अभी हम इसके अंदर बाउल में फिल कर देंगे इसको,
यार भूल का हमने स्टिकर भी मार दिया इसके ऊपर। ये हो चुका है, प्रॉपरली फिलअप हो चुका है, खाली गिलास अभी दे प्लास्टिक नाना की जमा लो। हाँ धोता हो गई ट्रे गाड़ी में, ये रेडी हो चुका है, यहाँ पे रख दीजिए इसको। अभी उसके बाद हमें जीरा मसाला है जो अभी मार्केट में बहुत ही पॉपुलर है, और जीरा मसाला भी इसके अंदर हम मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं पूरा बोलो मिक्सचर मशीन आप ही दे इलियास मिक्सचर आप ही दे। पेस्ट का पाउडर रहता है जीरा का, जीरा मसाला का हैवी पाउडर रहता है पूरा बड़ा, आप देख सकते हैं पूरा राख नहीं आप देख सकते हैं पूरा पाउडर हम मिक्स कर रहे हैं इसमें जीरा का। पाउडर डाल दिया है, उसके बाद अभी उसका एसेंस डालेंगे जो लिक्विड बेस में रहता है। इसका एसेंस भी डाल दिया हमने, उसके बाद अच्छे से वापस हम इसको प्रॉपरली अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ब्लेंडर से। ये बाउल के अंदर हम जीरा मसाला का भी फ्लेवर फील करेंगे, इसका स्टिकर भी हमने लगा दिया है जीरा मसाला यहाँ पे। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा मिक्स हो रहा है, ब्लेंड हो रहा है पूरा। बस चलो ये हो चुका है मिक्स प्रॉपरली, अभी उसको भी हम बाउल में फिल अप कर देंगे वापस। आप देख सकते हैं पूरा पूरा गाल के गिलास आप ही देख, ये हो चुका है पूरा फ्लेवर फिलअप कर दिया है। इसको हम थोड़ा ढक के रख देंगे साइड में, बस वही होता रही जगह। अब दोस्तों मैं आपको पूरा प्रोसेसली सिस्टम से फ्लेवर मशीन के उपयोग कैसे किया जाता है, कैसे वर्क किया जाता है। सबसे पहले तो ये हमारी छोटी सी पोर्टेबल मशीन है, स्टार्टिंग मॉडल है बॉटलिंग फिलिंग का, इसमें से हम प्रोडक्शन ले रहे हैं, हमारे कस्टमर का ऑर्डर है, इसके अंदर से पूरा मशीन टेस्टिंग भी कर रहे हैं, और हमारे कस्टमर जो न्यू इंटरेस्टेड है उनके लिए हम सैंपल ड्रिंक भी तैयार कर रहे हैं। तो इसको प्रोसेसली कैसे भरा जाता है, कैसे स्टिकर लगा जाता है, कैसे बोतल को वॉश किया जाता है, कैसे धोया जाता है, प्लस कैसे उसका बंच पैकिंग बनाया जाता है, जो 20 पीस 24 पीस 4 पीस कैसा बंच आपको बनाना है वो कैसे बनाया जाता है, तो मैं आपको भी वीडियो के अंदर वो चीज बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे उसका स्टिकरिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एम्प्टी बोतल रहता है, ये खाली बोतल है, ये प्लेन बोतल है। इसके ऊपर सबसे पहले सबसे पहला सेटअप इसका है, इसका स्टिकरिंग अभी हमने इसका ऑरेंज का स्टिकर लगाया है इसके अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑरेंज का सैंपल ड्रिंक है हमारा, कस्टमर को सैंपल भेज रहे, तो ये ड्रिंक का हमने सबसे पहले स्टिकर लगाया। उसके बाद यहाँ पे वॉशिंग होगा, ये वॉशिंग टेबल है पूरा, ये आप देख सकते हैं पूरा, ये जितना भी डस्ट रहता है कचरा रहता है इसके अंदर से वॉशिंग निकल जाता है। अब डबल रख ये देखिए पूरा। उसके बाद वॉश होने के बाद बोतल यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाके उसका प्रोडक्शन पे वैल्यू पे आएगा, यहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए। इसका मैं आपको प्रोडक्शन भी बताता हूँ करके, पहले भी मैंने आपको बताया फिर भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर पहले सोडा फिलअप हो रहा है, जितना आपने सेट किया 160 ml सोडा फिल हुआ है इसके अंदर, 40 ml सिरप बाकी है, ये 40 ml सिरप इसके अंदर से फिलअप करेंगे हम। आप देख सकते हैं पूरा 40 ml सिरप यहाँ पे फिलअप हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे ढक्कन है, इसका कैप है, एक कैप लगेगा, मशीन स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पे इसका कैपिंग लगेगा, आप देख सकते हैं पूरा। ये मार्केट में सेल होने के लिए तैयार है, इसका आप बंच बना लीजिए, जो भी आपको बंच बनाना है 12 पीस का 15 पीस का 24 पीस का, और मार्केट में सेल करिए, ये आपका ड्रिंक हो गया तैयार।
यहाँ पे इसका बंच भी बन रहा है, मैं आपको बताता हूँ कैसे बंच बनता है। इसे प्लास्टिक की पॉलीथीन में डाल के इसको ऐसे हीट गन लगाना है आपको। आप देखिए पूरा ये पूरा प्लास्टिक में थैली में डालने के बाद पूरा ड्रिंक को अच्छे से प्रॉपरली पैकअप हो जाएगा पूरा। आप देख सकते हैं पूरा ये कंप्लीट पैक हो चुका है। ये आपका बंच तैयार हो चुका है, जितना भी पीस का बंच। अभी हम सैंपल का ड्रिंक हमारे कस्टमर को भेज रहे हैं, तो ये चार पीस का हम बंच बना रहे हैं। ये क्लब सोडा है, किनली लहर टाइप का आप देख सकते हैं। ये ऑरेंज का फ्लेवर है। उसके बाद मैं आपको एक बंच बना के भी कैसे बनाना है उसका भी बंच बना रहा हूँ। एक बोतल आपके सामने फील कर रहा हूँ, देखिए पहले सोडा फील हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे सिरप फील हो रहा है, वो रेजम यहाँ पे कैपिंग होगा। कैपिंग होके इसका हम ढक्कन लगा देंगे। ये ढक्कन लग चुका है। उसके बाद यहाँ पे ये जो पॉलीथीन रहता है इसको थैली में कैसे डालना है आप देख सकते हैं पूरा। ये हिसाब से थैली में पॉलीथीन डालना है आपको। ये डाल दिया थैली में पॉलीथीन, देखिए। उसके बाद उसको गन लगाना है आपको ऐसे, अब देखिए पूरा। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी नया आदमी नया वर्कर इसको आराम से ऑपरेट कर सकता है। आप देख सकते हैं पूरा ये पूरा बंच बन के तैयार हो चुका है मार्केट के लिए जाने के लिए। और इसका मैं आपको बोतल खोल के भी बताता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं पूरा ये बोतल, ये ऑरेंज का बोतल अभी हमने भरा हुआ है, वो बोतल है। इसको हम सील खोल के भी बताऊंगा मैं आपको। आप देख सकते हैं पूरा बहुत ही बेहतर क्वालिटी का ड्रिंक है, सेम टेस्ट रहेगा आपको। अब भी इस टाइम का ड्रिंक दोस्तों अपने वहां पे खुद के लिए सैंपल टेस्ट करने के लिए घर पे मंगा सकते हो। हमारी कंपनी की सिस्टम है कि हम आपको सैंपल ड्रिंक भेजेंगे और सब फ्लेवर भेजेंगे। जीरा मसाला का एक बोतल, एक रेडबुल का, एक ऑरेंज का और एक क्लब सोडा का, प्लेन सादा सोडा का एक बोतल भी साथ में भेजेंगे। प्लस दोस्तों मैं आपको इसका थोड़ा कॉस्टिंग की बात बता दूं। जो एक बोतल रहता है इसका ऑरेंज का बनाएंगे, जीरा मसाला है, फ्रूट बियर, लेमन, कोई भी फ्लेवर का आप ड्रिंक बनाएंगे, एक फ्लेवर बनाने का आपको खर्चा 4.5 रुपए का लैंडिंग गिरेगा। जो मार्केट में 10 रुपए का बिकता है वो आपको 4.5 रुपए का लैंडिंग गिरेगा। इसके अंदर आपको बोतल आ गया, ढक्कन आ गया, इसका फ्लेवर आ गया, शुगर, इलेक्ट्रिसिटी, लेबल, मेंटेनेंस, बैग चार्ज सब मिला के 4.5 में आपको कम्प्लीटली लैंड गिरता है। आप मार्केट में होलसेलर को 8 रुपए 7.5 रुपए तक एक बोतल दे सकते हो, जो ठंडा करके बेचते हैं रिटेल काउंटर, जो 10 रुपए का बेचते हैं उसको आप 7.5 रुपए तक दे सकते हो। एक बोतल पर आपको कम से कम 3 रुपए का मुनाफा मिलेगा दोस्तों। ये मशीन जो हम दे रहे हैं छोटे में छोटी, इसकी एक घंटे की कैपेसिटी 250 बोतल की है। 250 बोतल एक घंटे में आप प्रोडक्शन कर सकते हो, 10 घंटे में 2500 बोतल का प्रोडक्शन कर सकते हो। अगर नाइट शिफ्ट चलानी है तो रात को भी नाइट शिफ्ट में भी आप 2500 बोतल का प्रोडक्शन कर सकते हो। मशीन के अंदर आप कंटिन्यूसली 24 घंटे में 20 घंटा काम करके आप 5000 बोतल का प्रोडक्शन इसमें से कर सकते हो। एक बोतल पे 3 रुपए का नेकेड प्रॉफिट, इसलिए 15000 रुपए का कम से कम मिनिमम प्रॉफिट रोजाना। अगर आपका मार्केट स्ट्रेटर्जी अच्छा है, बेटर है, तो आप रोजाना इसके अंदर 15000 रुपए तक का छोटी सी मशीन से इनकम कर सकते हो दोस्तों। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा चलने वाली मशीन है। और हम आपको फ्लेवर का टेस्ट भी देंगे दोस्तों। आप जैसा टेस्ट मांगेंगे कि ओरिजिनल कंपनी का टेस्ट चाहिए, ओरिजिनल रेडबुल का टेस्ट चाहिए, तो सेम टेस्ट हम आपको बना के देंगे, उसका रेसिपी भी देंगे दोस्तों। क्योंकि हम जो फ्लेवर भी देते हैं वो ब्रांडेड कंपनी का देते हैं, हमारा खुद का बनाया हुआ नहीं देते, ना तो कोई लोकल कंपनी का देते हैं। हम आपको ब्रांडेड कंपनी का, जो इंटरनेशनल ब्रांड रहती है, उनका ही फ्लेवर आपको, जैसे आपने रसना कंपनी का नाम सुना होगा, तो रसना कंपनी का हम आपको फ्लेवर मशीन के साथ में देंगे, जिससे आप मार्केट में सोल्ड आउट करो तो आपका टेस्ट परफेक्ट चले और लोग आपसे ज्यादा डिमांड करें कि हमको आपका चीज पसंद है, हमको दीजिए। वैसे हम मशीन के अंदर सिस्टम है कि क्वालिटी वाइज हम मशीन देते हैं, जिसकी वजह से सोडा का क्वालिटी एकदम स्ट्रॉन्गनेस पावर वाला क्वालिटी निकले। मैं आपको सोडा का क्वालिटी भी बताता हूं दोस्तों, इसका स्ट्रॉन्ग सोडा का क्वालिटी मैं आपको बताता हूं कि कैसा क्वालिटी निकलता है इसमें से। आप देख सकते हैं हम खाली प्लेन सोडा इसके अंदर से भर रहे हैं, ओनली सादा सोडा। इसका स्ट्रॉन्ग सोडा भर चुका है। अभी हम इसको आप डालिए, नीचे डालेंगे, आप देख सकते हैं पूरा इसका उबाल देखना आप, इसमें एसिड की तरह उबाल आएगा। आप देखिए दोस्तों ये पूरा एसिड उबल रहा है, वैसा उसका है, दिख रहा है, आप देख सकते हैं पूरा।
तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का हमारी डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी इससे भी बड़े मशीन बनाती है, जैसे एक घंटे में 400 बोतल, एक घंटे में 600 बोतल, एक घंटे में 1000 बोतल, एक घंटे में 1500 बोतल, एक घंटे में 2500 बोतल। ऑटोमेटिक प्लांट भी हमारी कंपनी बनाती है, लेकिन हम हमारे कस्टमर को सजेस्ट करेंगे कि आप ये मशीन से स्टार्टअप कीजिए। या तो एक ये मशीन है 1+3 की मशीन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 1+3 की है, 3 सिरप का है, 1 सोडा का है। वन टाइम में आप 3 अलग अलग सिरप भर सकते हैं इसके अंदर से, जिसमें ऑरेंज है, जिसमें जीरा है, जिसमें रेड बुल है। तो तीनों में अलग अलग सिरप, एक में सोडा और तीनों में अलग अलग सिरप भी फिल कर सकते हो। ये मशीन की एक घंटे की कैपेसिटी है, 300 से 350 बोतल की एक घंटे की कैपेसिटी है दोस्तों। आप तो ये या स्टार्टिंग के लिए ये मॉडल लीजिए, या तो स्टार्टिंग के लिए ये मॉडल ले सकते हो दोस्तों, जिससे आप मार्केट में एक एंट्री हो जाए, आपको भी मालूम होवे कैसे ये बिजनेस करना चाहिए, कैसे चलता है, आपकी मार्केट में रिस्पांस कैसा है। इसलिए लो इन्वेस्ट से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करिए दोस्तों, हाई उसके बाद नेक्स्ट के लिए हम हमारे कस्टमर को, हमारे जो जिसने खरीदा है उनको ऑफर भी देते हैं कि कल सुबह आपका बिजनेस जम जाता है और आपको बड़ा प्लान लेना है, आप अगर ये बिजनेस से, ये मशीन से थक जाते हैं, प्रोडक्शन कर नहीं पाते हैं, तो हम आपको एक्सचेंज ऑफर भी करके देंगे। ऑटोमेटिक प्लांट के सामने मशीन आपसे रिटर्न भी ले लेंगे दोस्तों। तो ज्यादा जानकारी, ज्यादा डिटेल के लिए आप डायरेक्टली हमारी कंपनी के नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, जिससे आपको ज्यादा डिटेल नोटिफिकेशन मिले, मशीन की प्राइस क्या है, मशीन में ऑफर क्या चल रही है, मशीन के साथ क्या क्या सामान फ्री में मिलता है दोस्तों। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि मशीन के साथ हम क्या क्या एक्सेसरीज देते हैं, जैसे कि कंप्लीट मशीन, इसका स्टैंड, पूरी मशीन की स्टिकरिंग, बोतल धोने के लिए वॉशर आएगा आपको साथ में, 100 लीटर्स का आरओ का प्लांट आएगा साथ में, CO2 गैस सिलेंडर आएगा आपको, जो अभी हॉट गन मैंने बताया, ये हॉट गन मशीन के साथ में आपको मिलेगा। तारीख मारने के लिए स्टैंपिंग मिलेगा आपको, डेट को मारना है तो उसके लिए स्टैंपिंग भी हम मशीन के साथ में देते हैं। प्लस 10,000 बोतल का फ्लेवर, जो स्टार्टिंग फ्लेवर रहते हैं टेस्टिंग का, 10,000 बोतल जब तक आप नहीं भरते उतना फ्लेवर मशीन के साथ में फ्री में देंगे। पूरी मशीन की वुडन बॉक्स पैकिंग देंगे आपको, पैक करके कम्प्लीटली देंगे। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो रहेगा दोस्तों वो अलग से आपको पेड करना है, प्लस इंस्टॉलेशन आपको फ्री में देंगे। हमारी टीम आपके वहाँ इंडिया में कोई भी लोकेशन पे हमारी टीम आके पूरी मशीन फिटिंग कर देगी, पूरा छोड़ा निकाल के चालू करके आपको पूरा डेमोस्ट्रेशन देंगे दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी कंपनी के नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए दोस्तों। हमारी कंपनी मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 10 बजे शाम को 6 बजे तक एक्टिव रहती है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक बार लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।